दोस्तों इस वीडियो में हम अकाउंट फॉर्म को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको डेट डालनी है, फिर कैश होल्डर, उसके बाद अकाउंट टाइप। आप जैसे ही अकाउंट टाइप डालेंगे वो यहाँ भी शो होगा और लिस्ट बॉक्स में उस अकाउंट टाइप से सर्च हो जाएगा। अगर आप इनकम की एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट टाइप में इनकम डालना है, एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट टाइप में एक्सपेंसेस डालना है, किसी से माल परचेस कर रहे हैं तो अकाउंट टाइप में परचेस अकाउंट बुक, और माल बेच रहे हैं तो अकाउंट टाइप में सेल अकाउंट बुक डालना है। वैसे आपको परचेस और सेल की एंट्री यहाँ नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली परचेस और सेल फॉर्म से हो जाती है। यहाँ मैं अकाउंट टाइप में इनकम डाल देता हूँ। उसके बाद अकाउंट अंडर डालना होता है। मान लो आप इनकम या फिर एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट अंडर में वो सोर्स डालना होगा जिससे आप इनकम कर रहे हैं या जिसके लिए आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं। और अगर आप परचेस या सेल की एंट्री कर रहे हैं तो अकाउंट अंडर में पार्टी या फिर कस्टमर का नाम लिखना होगा। अकाउंट अंडर जैसे ही लिखोगे वो यहाँ भी शो होगा और लिस्ट बॉक्स में अकाउंट अंडर से सर्च हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस लिखना है, फिर ट्रांजेक्शन डिटेल डालनी है, नेक्स्ट रिसिप्ट नंबर और बिल नंबर डालना है। उसके बाद अगर आप इनकम कर रहे हैं तो रिसीव अमाउंट डाल के सबमिट करना है, और अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो पे अमाउंट डाल के सबमिट करना है। ध्यान रहे आप यहाँ जो भी टाइप करोगे वो सब कैपिटल होना चाहिए। सभी लेटर्स कैपिटल लिखने के लिए कीबोर्ड में कैप लॉक्स ऑन कर दीजिए। मैं कुछ इनकम और एक्सपेंसेस की एंट्री फटाफट कर देता हूँ। किसी भी एंट्री को एडिट करने के लिए सिंपली एडिट फॉर्म में जाकर उस एंट्री को डबल क्लिक करना है। अगर आपको वो एंट्री नहीं दिख रही है तो साइड में स्क्रॉल बार को नीचे करें। वैसे यहाँ डेट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डेट से सर्च करेंगे वो एंट्री लिस्ट बॉक्स में ऊपर आ जाएगी, फिर उस एंट्री पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। जो बदलना है वो बदल कर एडिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह वो एंट्री एडिट हो जाएगी। एक बात याद रखना, यहाँ पर वही एंट्रियाँ एडिट हो सकती है जो अकाउंट फॉर्म से की गई हो। जो एंट्री अकाउंट फॉर्म से नहीं की गई हो उसको डबल क्लिक करते ही ये मैसेज शो होगा कि ये एंट्री यहाँ एडिट नहीं हो सकती, इसे आप परचेस और सेल फॉर्म से ही एडिट कर सकते। किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए उस एंट्री को सेलेक्ट कर डिलीट बटन दबा दीजिए, फिर आपको यस और नो दो ऑप्शन देगा। यस करेंगे तो डिलीट होगा, नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। डिलीट बटन के ठीक पास शॉर्टिंग बटन दिया हुआ है जिसको क्लिक करते ही अकाउंट फॉर्म की सारी एंट्रियां डेट वाइज शॉर्ट हो जाएंगी। बिजनेस ऐप को अच्छे से चलाने के लिए इसकी छोटी छोटी बेसिक बातों का पता होना चाहिए, जैसे कि हमेशा 5 से 6 एंट्री करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। इसे शॉर्टकट की अल्ट प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं। शॉर्ट कीज जानने के लिए उस बटन के ऊपर माउस ले जाकर छोड़ दीजिए, छोटे से कमेंट में शॉर्ट की बताएगा। याद रहे शॉर्ट की उसी बटन का होगा जिस बटन में पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होगी। अल्ट के साथ वही अंडरलाइन वाला टेक्स्ट दबाने से वो बटन भी प्रेस होगा। आप यहाँ जैसे ही कैश होल्डर लिखेंगे उस कैश होल्डर के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है वो उसके ठीक नीचे क्लोजिंग बैलेंस में बता देगा। आपको यहाँ हाईलाइटेड बॉक्स में ही लिखना है। इस फॉर्म में 2 तरह के हाईलाइटेड बॉक्स हैं, ध्यान से देखिए। एक में साइड एरो आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है। जिस बॉक्स में साइड एरो आ रहा है उसको क्लिक करके देखो, एक लिस्ट ओपन होगी। इस तरह के बॉक्स में कोई भी नया नाम एक बार लिखना पड़ता है, दूसरी बार वो नाम उस लिस्ट में आ जाता है। इस बॉक्स में लिखने के कई तरीके हैं। फर्स्ट, माउस से साइड एरो क्लिक कर कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, कीबोर्ड में अप और डाउन एरो क्लिक कर चूज कर सकते हैं। थर्ड, जो भी नाम आपने पहले लिखा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर लिखते ही वो नाम आ जाएगा। फोर्थ, अल्ट के साथ डाउन एरो दबाए लिस्ट खुल जाएगी।
ये कुछ तरीके हैं हाइलाइटेड एरो बॉक्स में लिखने के। वेल, अब हम बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे। कैश होल्डर के पास जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो टोटल यहां आ जाएगी। टोटल इनकम यहां और टोटल एक्सपेंसेस यहां बताएगा। यहां इनकम में एक्सपेंसेस माइनस कर प्रॉफिट और लॉस भी बताएगा। अगर आपको ये जानना है इनकम हो कहां कहां से रही है तो कर्सर इनकम पर ले जाकर क्लिक कर दें और कुछ सेकंड वेट करें। फिर आपको एक पीडीएफ लिस्ट दिखेगी जिससे पता चल जाएगा कि इनकम कहां कहां से हो रही है। सेम प्रोसेस एक्सपेंसेस और कैश होल्डर जानने के लिए कर सकते हैं। इनकम की पूरी डिटेल जानने के लिए बैलेंस शीट में नीचे जाकर अकाउंट टाइप बटन पर क्लिक कीजिए और इनकम को सेलेक्ट कर डबल क्लिक कीजिए। फिर कुछ सेकंड वेट करें, आपको एक पीडीएफ लिस्ट दिखेगी जिसमें इनकम कौन सी डेट को हुई और किसने ली पूरी डिटेल मिल जाएगी। कैश होल्डर की पूरी डिटेल जानने के लिए कैश होल्डर बटन पर क्लिक कीजिए। जिस कैश होल्डर की डिटेल जाननी है उसको सेलेक्ट कर डबल क्लिक कीजिए। फिर कुछ सेकंड वेट करें, आपको एक पीडीएफ लिस्ट फिर से दिखेगी जो कैश होल्डर की पूरी डिटेल बताएगा। ऑल राइट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज फॉर्म की पूरी डिटेल देखेंगे।